फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू पनीर टिक्की चाट। ये बहुत टेस्टी लगता है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बनाते हैं आलू पनीर टिक्की चाट। पनीर आलू टिक्की चाट बनाने के लिए ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और थोड़े से पनीर, ये 200 ग्राम पनीर है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आलू को भी हम ग्रेट कर लेते हैं, तो ग्रेटर की सहायता से आलू को ग्रेट कर ले। ये मैंने आलू को ग्रेट कर लिया, इसमें हम डाल देते हैं पनीर जो हमने ग्रेट करके ले रखा है, 1 कटा हुआ प्याज, थोड़े से अदरक घिसे हुए, 2 हरी मिर्च, मिर्ची जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच ऑरिगेनो, ये ऑप्शनल है, ऐसे आप डाल देंगे तो इससे टेस्ट इसका अच्छा आ जाता है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच मैदा, स्वाद अनुसार नमक, जितना आप नमक खाते हैं उसी हिसाब से नमक डाल लें, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच। अब हम इसे टिक्की का शेप दे लेते हैं। अगर ये गीला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और मैदा मिला सकते हैं। अब इसे हम एक थोड़ा सा डो ले लेते हैं इसमें से टिक्की का शेप देने के लिए। और इसे एक टिक्की का शेप दे लेते हैं। जितना बड़ा छोटा साइज आप पे डिपेंड है कि आप कितना बड़ा टिक्की बनाएंगे, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। ये देखिए ये बन गया। ऐसे ही करके हम टिक्की पहले बना लेते हैं। अब हम टिक्की को फ्राई करते हैं, तो टिक्की को हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो एक पैन में मैंने तेल ले लिया है और उसमें हमने जो टिक्की बना के रखी है वो डाल देंगे। गैस को मीडियम कर देंगे, ज्यादा फ्लेम पे हमें इसे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो अंदर से टिक्की जो है वो कच्चा रह जाएगा। ये एक तरफ से हो गया, इसे हम पलट देते हैं। ऐसे ही करके हम सारी टिक्की पलट लें।
अच्छे से हमें उलट पलट करके इसको हर तरफ से सेक लेना है। ये टिक्की जो है दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है, ये देखिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह जितनी भी टिक्की बनानी है वो हम पहले फ्राई कर लेंगे। अब हम चाट बना लेते हैं इसकी। इस पे हम रख देंगे खीरा का रायता, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। ये मैंने खीरा का रायता बना के रखा है, वो इस पे डाल दिया। इस पे सेम डाल देंगे कटा हुआ प्याज। कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा चाट मसाला, और इमली की चटनी। ये हमारा आलू पनीर टिक्की चाट बनके तैयार हो गया। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।